ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरी साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन एरीज और देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। यस, शायद हो सकता है कि किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप को करना चाह रहे हैं, बट देयर इज समथिंग, ऑप्शंस हैं आपके अराउंड। को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है, या जगल कर रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट कि आपकी फैमिली है, इस पर्सन की फैमिली है, या हो सकता है यू स्टिल हैव ऑप्शंस अराउंड यू, लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस कर रहे हैं, डाउन महसूस कर रहे हैं एट टाइम्स। ये चीज़ हो सकती है, कोडिपेंडेंट, यू फील लो समटाइम्स अबाउट अ कनेक्शन। ऑन द अदर हैंड, येस, इट्स ऑन ऑफ काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। और मे बी आपके पार्टनर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं राइट नाउ, या हो सकता है दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। अब ये पर्सन डाइसी है, इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ मूव लें कि नहीं, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि यस, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग स्टेबल, कुछ स्टेबल ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए, तो तब तक इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। और शायद आपसे अटेंशन चाह रहे हैं एरीज, फिलहाल मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम आपके पार्टनर की और बात करें, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो हार्ट टू हार्ट, यस, आपके जो पार्टनर है दे हैव इमेंस पैशन, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि सेल्फ लव वाली एनर्जी में अभी की, यू नो, अभी आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं। मे बी दे वॉन्ट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद यू, जैसे मैंने बोला, या हो सकता है कि आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यस, एक अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों के बीच में। एंड फॉर ऑल द सिंगल पीपल, जो लोग बिल्कुल टोटली सिंगल हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है आपकी किसी से बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, देन अगेन वी आर गेटिंग अ सेपरेशन फेज हियर। तो सोच समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। लाइक हो सकता है कि इट्स अबाउट कि या तो हो सकता है कि आप बात कर नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो न्यू लव, डेफिनेटली न्यू लव फॉर ऑल द पीपल जो भी सिंगल हैं, ठीक है। बट अगेन बार बार वो चीज़ है कि देयर इज़ नॉट अनफ केमिस्ट्री, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप बिलीव, यू नो, लाइक एक रिलेशनशिप को जितना टाइम देना है, या वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। यस, वो चीज़ें दिख रही हैं। सो आई थिंक ठीक है, धीरे धीरे ये एक रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। बट येस, फॉर दोस्त जो भी रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, इट्स अबाउट फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है ना, हील योर पास्ट या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो चीज़ें हैं कि माइंड में बहुत कुछ घूम रहा है एरीज के, और आप वो चीज़ दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, या आपके पार्टनर और आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो माफ़ करना, इट्स अबाउट गिविंग योर रिलेशनशिप एटलीस्ट अ चांस, ठीक है। तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है, पीछे जो भी बातें हुई उनको जाने दीजिए, ठीक है, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, अब हम करियर के बारे में बात कर लेते हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, करियर वाइज देखते हैं। ओके, सो करियर वाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी हमारे पास यहाँ पे।
इट्स काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग हार्ड, ठीक है, पुटिंग एफर्ट्स, एंड शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, और लेटली कुछ चेंजेस आए भी हैं आपके करियर में, आपका सोचने का नज़रिया बदला है, या आप जैसे सोचते हैं वो चीज़ हुई है, देन अगेन चेंज इज़ कमिंग फाइनेंशली ऑल्सो, अच्छी बात है ये, एंड येस ऑफकोर्स किसी के साथ मिल के कुछ सोच रहे हैं काम करने के लिए, या आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये करना है वो करना है, तो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, प्रोग्रेसिव वीक, ठीक है, कुछ अगर सोच रहे हैं करने के लिए मूव अहेड, ठीक है, आपको रास्ता भी मिल सकता है, येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइंडिंग अ वे, आपको कोई रास्ता मिल रहा है, अपनी किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल रहा है। चलिए और देखते हैं एरीज के लिए व्हाट एल्स इज कमिंग। बैलेंस, यिन एंड यांग, थिंकिंग मैन, ठीक है, रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, ओके, सो आई थिंक सम पीपल कैन टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल, ये चीज़ हमें दिख रही है, चीज़ें अच्छी हैं, स्मूथ हैं, बट आई थिंक यू नीड अ लिटिल टाइम फॉर दैट, तो हो सकता है कि आप थोड़ा ब्रेक लें, छुट्टियाँ हैं वैसे भी, यू नो, और सब जो बच्चों के एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं तो वो, यू नो, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, सो मे बी टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ वाइल, बैलेंसिंग योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ये सारी एनर्जीज हमको दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। या हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, यू हैव एन आइडिया थिंकिंग अबाउट दैट, लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, सो मे बी मतलब अभी फ़िलहाल या आपका ड्रीम था इट्स नॉट वर्किंग, या मे बी इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप एज वेल, कि रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा जब इंसान लो होता है तो वो काम पे भी ध्यान नहीं दे पाता, सो टेकिंग अ ब्रेक, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं, तो क्या गाइडेंस है लेडीज के लिए, प्लीज एंजल्स हमें बताइए। न्यू विजन, सक्सेस, ठीक है, एंड अपने आप को कट आउट यू नो फ्रॉम द सिचुएशन जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। कंडीशनिंग, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में से निकाल लीजिए जहाँ के लिए आप नहीं प्रॉपर फिट हो रहे, अपने आप को ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में मत फिट कीजिए, ठीक है, और दूसरा ये भी हैव सक्सेस आपकी लाइफ में, ठीक है, देखिए जब आप सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं तो अप्स डाउन्स आते हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप ही कर दें, ठीक है, येस आई थिंक वही चीज़ हो रही है आपके साथ, दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग बैड, तो आप आपको लगता है कि नो, और शायद कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स, और मे बी इट्स अबाउट सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, आपको लग रहा है कि येस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग दिस एंड दैट, तो क्या करना चाहिए, जैसे जैसे चेंज, जैसे जैसे आपको लाइफ, यू नो इट्स अबाउट व्हील, आप आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, तो जैसे जैसे हर मौसम बहुत ज़रूरी है, यू नो अगर धूप नहीं हो, या मान लीजिए बारिश नहीं हो, या यू नो जो भी है, हर मौसम बहुत ज़रूरी है, या गर्मी ही पड़ती रहे, ठंड ना हो, या ठंडी पड़ती रहे गर्मी ना हो, तो कैसे चलेगा, सो एवरी वेदर इज़ इम्पॉर्टेंट, सो एवरी सिचुएशन इज़ यू नो मेकिंग यू इवन टफ, ठीक है, तो सो दैट आप आगे बढ़ सकें, सो दिस इज़ इट फॉर ऑल यू एरीज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।